ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 55। सो चेज दैट टू इक्वल चार्जेस 2 टू 10 रेज टू द पावर -7 कूलम एच आर हेल्ड फिक्स्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर। अ थर्ड चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस। इट इज नाउ मूव्ड टू अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द चार्जेस। हाउ मच वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। ओके सो व्हाट इज गिवन, हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, लेट्स से क्यू वन एंड क्यू टू। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दैट इज 2 × 10 रेज टू द पावर -7। क्यू वन का मैग्नीट्यूड एंड जो क्यू टू है वो भी सेम ही है, दैट इज 2 × 10 रेज टू द पावर -7 कूलम। क्यू वन एंड क्यू टू के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.2 मीटर। 20 सेंटीमीटर गिवन है, दैट इज 0.2 मीटर, राइट। नाउ क्यू वन एंड क्यू टू का जो मिड पॉइंट है, लेट्स से दैट इज पॉइंट ए। पॉइंट ए क्या है, जो क्यू वन एंड क्यू टू का मिड पॉइंट है। सो पॉइंट ए का जो डिस्टेंस होगा क्यू वन से वो 0.1 मीटर होगा, और क्यू टू से भी पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर होगा। नाउ एक और पॉइंट हमें लेना है, पॉइंट बी, सच दैट जो पॉइंट बी है उसका क्यू वन से डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर होगा और क्यू टू से भी डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर होगा। तो जो पॉइंट होगा वो कहाँ लाई करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, बिकॉज दोनों चार्जेस से जो डिस्टेंस है वो सेम होना है। सो यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट है, पॉइंट बी। पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है क्यू वन से वो है 0.2 मीटर, दैट इज 20 सेंटीमीटर, और क्यू टू से भी 0.2 मीटर, और यू कैन से 20 सेंटीमीटर। नाउ आप देखो, हमारे पास एक थर्ड चार्ज है क्यू थ्री, वो भी सेम ही चार्ज है, उसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, 2 × 10 रेज टू द पावर -7 कूलम। इस चार्ज Q3 को हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाते हैं, तो हमें बताना है कितना वर्क डन होगा बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स है उसके द्वारा कितना वर्क होगा जब आप Q3, जिसका मैग्नीट्यूड 2 × 10 रेज टू द पावर -7 कूलम है, उसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाते हो। सो आप क्या करो, पहले पोटेंशियल निकाल लो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे। पॉइंट ए की अगर मैं बात करूं, पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल होगा क्यू वन के कारण, दैट विल बी के क्यू अपॉन आर। एंड क्यू टू के कारण भी पॉइंट ए पे उतना ही पोटेंशियल होगा। क्यू वन एंड क्यू टू दोनों के कारण पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। क्यों? बिकॉज क्यू वन एंड क्यू टू दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और जो डिस्टेंस है पॉइंट ए का क्यू वन एंड क्यू टू से वो भी सेम है, राइट। दोनों जो चार्जेस है वो सेम डिस्टेंस पे पॉइंट ए से। सो एक काम करते हैं, के क्यू बाई आर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो ये आपका पोटेंशियल आ जाएगा पॉइंट ए पे। सो 2 × के की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10 रेज टू द पावर 9, क्यू की वैल्यू हो जाएगी 2 × 10 रेज टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई आर, दैट इज डिस्टेंस, वो कितना है 0.1। सो ये हो जाएगा 0.1। सो देखो कितना आता है, ये हो जाएगा 0.1 जो है ऊपर जाएगा, सो ये 10 हो जाएगा। सो 10 और ये 10 रेज टू द पावर 9, सो ये 10 रेज टू द पावर 10 हो, 10 हो गया 10 रेज टू द पावर -7, सो दिस इज 10 रेज टू द पावर 3, सो 9 × 18 और ये हो गया 36। सो 36 × 10 रेज टू द पावर 3 वोल्ट, ये हो गया आपका पोटेंशियल एट पॉइंट ए, राइट। पोटेंशियल एट पॉइंट बी निकाल लेते हैं। सो पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल होगा ए क्यू वन के कारण, ना क्यू वन के कारण पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल होगा, एंड क्यू टू के कारण जो पॉइंट बी पे पोटेंशियल होगा वो अगेन सेम होगा। क्यों सेम होगा? बिकॉज क्यू वन एंड क्यू टू दोनों सेम चार्ज हैं और जो डिस्टेंस है पॉइंट बी का क्यू वन एंड क्यू टू से सेम है, दैट इज 0.2। सो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, पॉइंट बी पे पोटेंशियल निकालते हैं क्यू वन के कारण, दैट विल बी के क्यू बाय आर, और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस विल बी द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। सो 2 × k की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10 रेज टू द पावर 9, जो चार्ज है दैट इज 2 × 10 रेज टू द पावर -7, एंड जो डिस्टेंस है ना पॉइंट बी का फ्रॉम क्यू वन, दैट इज 20 सेंटीमीटर, और यू कैन से 0.2 मीटर। सो अभी इसको सॉल्व करो। सो 10 रेज टू द पावर 9 -7, सो 10 रेज टू द पावर 2, सो ये जो है ये अगेन कितना हो जाएगा 10, सो 10 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 18 × 10 रेज टू द पावर 3 वोल्ट, राइट। सो ये आपका पोटेंशियल एट पॉइंट बी है। सो अगर मैं बात करता हूँ
कि जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट विल बी माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को आप लिख सकते हो Q, दैट इज चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा V, राइट. सो माइनस जो चार्ज है जो मूव कर रहा है, जो चार्ज है राइट, वो कौन सा चार्ज है, दैट इज Q3, राइट. सो यहाँ पे ये Q3 आएगा और ये क्या है, डेल्टा V, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल. सो माइनस Q3 इंटू डेल्टा V, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल. सो फाइनल पोटेंशियल मीन्स जो फाइनल पोजिशन है वो है B, सो VB माइनस VA, राइट. ओके, सो माइनस जो Q3 की वैल्यू है, दैट इज 2 × 10⁻⁷ राइट, इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए. पोटेंशियल एट पॉइंट बी कितना है, 18 × 10⁻³ और पोटेंशियल एट ए, दैट इज 36 × 10⁻³. सो ये हो जाएगा 18 × 10⁻³ माइनस 36 × 10⁻³. सो देखो कितना आता है, −2 × 10⁻⁷ इंटू, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, −18 × 10⁻³. सो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो 18 × 2 दैट इज 36 × 10⁻⁴ जूल, राइट. बस यही है वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक.